माँ के पास आई हूं मैं, हाँ शुक्रिया अदा करने माँ को। क्या आदिल का असली रूप माँ और चलो तो खुदा पिछले भाई साढ़े दुनिया के सामने लाए हैं। हाँ सारी दुनिया मुझे बस क्या 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 कहती थी थोड़ा स्लो जी, आ जाइए आप। सारी दुनिया मुझे मेरी बातों को नहीं मानती थी। मेरा एडवोकेट खुदा है, मेरा केस वो लड़ेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद इधर से इधर से जाना है, इधर से मम्मी को कितना मिस कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आज बहुत लोग माँ को सॉरी बोलने आई हूँ बहुत अकेली पड़ गई हैं आप। बहुत ज्यादा। और जब मैं बिग बॉस में थी तो मेरी माँ ने तड़प तड़प के जान दी है, जब आदिल ने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा था। लेकिन वाहिद भाई, मेरे भाई राकेश और मेरी भाभी डॉक्टरों ने ख्याल रखा था। माँ बस को सॉरी बोलने आई हूँ मैं। कम कर प्रिया माय ए फ्रेंड। अजय अभी यहाँ पे लगी है ना, तो आधा बाद में देखो आएगी तो ना। अरे मत देना यार, बस और करो। आके अरे जल्दी पानी वाला डालो ना अजय इधर जल्दी। आइए। माँ मम्मी, अरे बाहर है अपने पास, कैंडल जंगल दो ना। आप ये ध्यान रखते हो ना दादा? हाँ दादा, पूरा बढ़िया चाहिए दादा। ऐसे ठीक किस तरह ऐसे कैसे बस और मैसूर पुलिस डीसीपी, जितने डीसीपी एसीपी और ये इधर ही है पीछा। ए, काम दिखाते हैं तो भी बोला लेके जा जा ला ला ऐसे वैसे।
देखो ना इधर थोड़ा सा कुत्ते हैं ना, बोल करते थे। आप लोग ने तो लिया है ना, ये अलग जगह है ना। लेकिन मैं तो थैंक्स कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इंडियन पुलिस का, मुंबई पुलिस का और मैसूर पुलिस डीसीपी, जितने डीसीपी एसीपी और अपने कमिश्नर के, इतना बड़ा केस सामने आया है ये रेप का, आदिल के एक्स गर्लफ्रेंड रोशना दिलीप का। मैं हमेशा मैं तो बहुत शॉक थी। एक मिनट, उनके क्या करूं मैं। ठीक है, गाड़ी आगे लो, ये चला मत रे बाकी जी, क्या चिल्ला रहा है वो, क्या बाकी जी कुछ पूछ रहे पांडे उधर उधर। ठीक है, अरे वहां अरे उधर बोल रहे फोटो, गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है।